को व्हाट्सएप किया है और वो आदमी आपका व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, अननोन नंबर में एसएमएस कर दिया और वह बंदा आपका आपका नंबर की वजह से इंफॉर्मेशन दे दिया व्हाट्सएप कंपनी की तरफ में, और व्हाट्सएप कंपनी आपको नंबर को बैन कर दिया है, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो गया तो आप अनबैन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों मेरा भी देखिए व्हाट्सएप बैन हो गया है, तो मैं अनबैन करता हूँ, आप लोग के सामने अनबैन करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप, क्योंकि हमेशा मैं इस तरह की वीडियो डालते रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों चलिए व्हाट्सएप अनबैन करने के लिए मैं व्हाट्सएप पर जाता हूँ, और आप भी व्हाट्सएप पर जाइए, जिस अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे तो उसमें जाइए, अगर आपको ओनली व्हाट्सएप यूज़ कर रहे तो आप व्हाट्सएप में जाइए। जाने के बाद में देखिए दोस्तों, मैं व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर में जा रहा हूँ, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका नंबर डाला हुआ है तो ठीक है नेक्स्ट करिए, अगर डाला नहीं है तो आप आपका जो नंबर बैंक हुआ है ये डाल दीजिए, डालने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह से आपको इंटरव्यू शायद मतलब आपका नंबर बैंक है बोला जा रहा है, आप उसके कस्टमर से आप कांटेक्ट करना पड़ेगा बोल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेने के बाद में आप इस बटन पर क्लिक करिए, इस बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे एक प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप एक फ़ोटो ले लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर में लिख दीजिए कुछ भी, ऊपर में कुछ भी मतलब आपका व्हाट्सएप बैन हो गया बोल के आप कुछ लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, और ये डिस्क्रिप्शन में भी ये दे देता हूँ, यहाँ से आप ले लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर लिया, मैं नोट्स से पहले से रख दिया, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कॉपी को पेस्ट कर देता हूँ, और आप जो भी लिखना है लिखने के बाद में आपका नंबर भी डाल दीजिए लास्ट में, और मैं जो लिखा है वो भी लिख सकता है, वो भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके ये आपका नंबर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका नंबर डालना है, जो लिखा है वो सही बराबर ही रखना है, और नंबर को ओनली आपका लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर एक क्लिक करिए। हाँ तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में आप एक फ़ोटो ले लीजिए, तो मेरा गैलरी में लॉक है, तो कुछ भी आप मतलब जो स्क्रीनशॉट लिया था वही फ़ोटो ले लीजिए। तो देखिए मैंने वही जो स्क्रीनशॉट लिया था वही ले लिया, लेने के बाद में आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, आप किसी में बताना पूरा नीचे देखिए उसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको ईमेल मेल सभी आ जाएगा, तो आप किस में भेजना है एसएमएस को ये आपका पास आ जाएगा। तो देखिए मैं ईमेल जीमेल में कर रहा हूँ, ईमेल आप ईमेल में भी कर सकते हैं, मैं जीमेल में कर रहा हूँ। तो देखिए जीमेल बटन पर जो मैं वहाँ पे लिखा है और मैं जो फ़ोटो डाला है सभी यहाँ पे आ गया है, सभी डिटेल्स आ गया है, फ़ोटो भी यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ गया, और मैं सिंपली इसको भेज देता हूँ। ऊपर में देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके पूरा एसएमएस को भेज दिया है, अभी हमको एक एसएमएस आएगा उसकी तरफ से, व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से एक एसएमएस आ जाएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया बोल के एक एसएमएस आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे आपको ईमेल पर जाके आपको एसएमएस को मिल जाएगा, मिलने के बाद में थोड़ी देर पे अभी एक एसएमएस आएगा, उसमें बोला जाएगा आपको व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पा रहा है,
तो हम लोग तुरंत चेक करेगा, ऐसा बोल के एक SMS आएगा। तो आप क्या करना, शाम को ये 24 आवर के अंदर और एक SMS आएगा, वो आने के बाद में आपको बोला जाएगा, आप फिर से व्हाट्सएप पर जाओ, जाने के बाद में आपका नंबर डाल के फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके ट्राई करो। तो ट्राई करने के बाद में ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो मेरा अभी अभी कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं हो रहा है, और बाद में मैं होने के बाद में आपको देखाता हूँ मेरा व्हाट्सएप ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। तो थैंक यू। तो चलिए देख लेता हूँ हमारा SMS उसका बस पहुँचा है क्या। पूछने के बाद में इस तरह का एक SMS आ जाएगा। तो देखिए मेरा SMS आ गया, मतलब हमारी मेरा जो SMS उसका पास पहुँच गया है, और ये लोग पढ़ रहा है चेक करके, जितना जल्दी होगा इतना जल्दी वो लोग चेक करके आपको व्हाट्सएप ऑन कर देगा बोल रहा है। तो जब कस्टमर ने चेक कर लेगा तब तो और एक SMS आ जाएगा, ये ऑटो रिप्लाई आ रहा है, ऑटो रिप्लाई करके रखता है ये लोग, इसीलिए ये ऑटो रिप्लाई आ गया है। और कस्टमर ने चेक करके एक SMS करेगा आपको, तो वेट कर लीजिए, और एक SMS आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद में और आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर जाके आप नेक्स्ट बटन दबाइए, ऑटोमेटिक पहले जैसे व्हाट्सएप ओपन किया है इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चलिए मैं व्हाट्सएप को ओपन करके देख लेता हूँ। देखिए अभी मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया है, मैं अभी पहले क्या सभी डाटा भी मिल जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया, आराम से मैं चला सकता हूँ, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो थैंक यू गाइज, आज के अगर आपको ये स्पीड देखकर आप